Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, my name is Professor Naveed Sabri from UCP. I qualified for CSS in 2005 and afterwards I did my MPhil in linguistics. Mera uske baad se phir 15 years ka CSS ki English ka teaching experience hai. To maine jab apni student life mein jab main CSS ki taiyari kar raha tha tab maine एक चीज़ महसूस की और फिर उसके बाद ये चीज़ फर्दर स्ट्रेंथन हुई. ये मेरा आइडिया फर्दर स्ट्रेंथन हुआ जब मैंने फिर टीचिंग शुरू की कि इंग्लिश एज अ होल अगर हम देखें तो सीएसएस की बैकबोन है और ये स्टूडेंट्स की अक्सर वीक होती है. और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स की स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ में जो इंग्लिश टीचिंग होती है वो प्रॉपर उनके साथ नहीं की गई होती, जिसकी वजह से उनकी कुछ बेसिक इश्यूज़ रह जाते हैं. अच्छा, और वो बेसिक इश्यूज़ जाके फिर अदर सब्जेक्ट्स को भी अफेक्ट करते हैं. मतलब सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर बच्चों की स्किल्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनके सारे सब्जेक्ट्स अफेक्ट हो रहे होते हैं. तो मैंने फिर उसी वक्त फ़ैसला किया जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था कि मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर करना है और जो प्रॉब्लम्स मैं फ़ील कर रहा हूँ वो मेरे बाद आने वाले फेस ना करें. जिसके लिए मैं गुज़िश्ता 15 ईयर्स से मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाता रहा हूँ सीएसएस, और फिर पर्सनल लेवल पे भी मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए स्टूडेंट्स के साथ. हमने अलबेरिया सीएस इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया है कि जिसमें हम स्टूडेंट को इंडिविजुअल लेवल पे कोचिंग देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, और मेरी जो एक फ़िलोसफी है उसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अब फिलोसफी क्या है? बेसिक फिलोसफी ये है कि हर स्टूडेंट जो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा होता है उसकी प्रॉब्लम्स सब की सेम तो नहीं होती. अब जाहिर है एक फ़िज़िक्स के बैकग्राउंड से आया है, एक इस्लामियात के बैकग्राउंड से आया है, एक इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आया है, तो सब की इंग्लिश की प्रॉब्लम सेम नहीं होगी. तो हम क्या करते हैं कि हम अपने सिस्टम में ये जो हमने इंग्लिश की स्पेशल क्लास स्टार्ट की है उसमें हम लेक्चर भी देते हैं और उसके बाद होमवर्क जो हम देते हैं उसकी इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कशन भी करते हैं, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स होती हैं डेली बेसिस पे उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं और उसको फॉलो अप देते हैं कि स्टूडेंट की जो मिस्टेक आज हुई हैं वो कल ना हो. उसको इंडिविजुअल लेवल पर बताते हैं कि आपकी ये मिस्टेक है और इस तरीके से ये रिजॉल्व होनी है. अच्छा, उसके लिए जाहिर है कि फिर ज़रूरत इस चीज़ की है जो कि हम करते भी हैं कि हम हर स्टूडेंट को डिफरेंट होमवर्क देते हैं. कुछ स्टूडेंट को कम होमवर्क की ज़रूरत है तो हम कम होमवर्क देते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा होमवर्क देते हैं. ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है, उसके मुताबिक हम उसको टैकल करते हैं और हर स्टूडेंट ये फील करता है कि वाकई वो इम्प्रूव कर रहा है. हम अपनी इस एक्टिविटीज़ में वोकैबलरी, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग, रीडिंग स्किल्स एंड सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको अलबेरिया सीएसएस इंस्टीट्यूट के ऑफिस से मिल जाएगी. इसके लिए मैं एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है उसमें क्लास जब कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट हमसे डिटैच हो जाएगा. हम फिर भी स्टूडेंट को जो है वो पूरी तरह से सुपरवाइज करते हैं, उसके साथ होते हैं. स्टूडेंट हमें आके अपना होमवर्क सबमिट करवाते हैं, हम उनको वीकली बेसिस पे हम उनको होमवर्क रिटर्न करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम तक हमारे साथ अटैच रहे, जिसकी वजह से उसकी एग्ज़ाम की कम्प्लीट प्रिपरेशन हो जाए. और इसके साथ साथ एक आखिरी बात ये कि स्टूडेंट की कुछ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज भी हम इम्प्रूव करते हैं, जिसमें उनकी न्यूज़पेपर रीडिंग है, आर्टिकल रीडिंग है, और इसके बाद नोट्स मेकिंग की जो उसकी टेक्निक्स हैं, ये सब चीज़ें हम इम्प्रूव करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को सिर्फ इंग्लिश के पेपर में ही हेल्प ना मिले बल्कि वो एज अ होल सीएसएस के एग्ज़ाम में अपने आप को ज़्यादा बेहतर फील करें. एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आप इसको ज्वाइन कब कर सकते हैं, सेशन कब स्टार्ट होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये एक बड़ा यूनिक सेटअप मैंने बनाया है कि जिसमें जो स्टूडेंट जब भी आए वो इसे ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि जाहिर है कि हम स्टूडेंट को इंडिविजुअल लेवल पे लेके चलते हैं. हर स्टूडेंट की अलग वर्कशीट बनती है, हर स्टूडेंट की अलग एक्टिविटी शीट बनती है, तो जिसकी बेस पे हम बड़ा इजीली इस काबिल हो जाते हैं कि जो स्टूडेंट जब भी आए वो हमारे साथ अटैच हो सकता है और हम उसको डे वन से, लेक्चर वन से उसको लेके चलते हैं और उसके लेक्चर्स कंप्लीट करवाते हैं और उसकी स्पीड के मुताबिक हम उसको इंग्लिश इम्प्रूव करवाते हैं. और अब ये है कि फ़ीस इसकी हमने बड़ी नॉमिनल सी रखी है. हमारी कोशिश है कि स्टूडेंट्स जो हैं
जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ अटैच हों और हम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनको इस हद तक रिमूव करें कि वो उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके। इन सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं इंग्लिश में और CSS या किसी भी और कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं वो ज़रूर हमारे साथ रब्ता करेंगे। आप जब चाहें ट्रायल क्लास के लिए आ सकते हैं और मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं ताकि मैं फ़र्दर आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूँ, इस पूरे सिस्टम के बारे में। और हमारी मॉर्निंग, इवनिंग और वीकेंड क्लासेस चलती हैं और आप जो भी आपको सूट करता है टाइम के मुताबिक आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।